कल मैंने आपको अपने वीडियो में एक बताया था कि देखो कैसे एक भाई ने अपने थंबनेल में कुछ ऐसी ट्रिक लगा करके, कुछ ऐसा मजेदार काम करके अपने वीडियो को वायरल कर देते हैं। और दोस्तों जितने भी वीडियो अभी तक माई फर्स्ट ब्लॉग की वायरल हुई है ना, वो 50% वायरल होने के पीछे का सबसे बड़ा राज है कि थंबनेल का अट्रैक्टिव होना। अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो आपकी वीडियो 50% ऐसे ही वायरल हो जाएगी, क्योंकि भाई थंबनेल देखने में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बात आप मुझे बताओ, जब मैं अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले क्या जाता है आपके पास में? नोटिफिकेशन जाता है, और इसके बाद उस नोटिफिकेशन को आप क्लिक करके देखते हो तो सबसे पहला थंबनेल आपको दिखता है। यानी कि आप जब भी यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो किसी भी वीडियो का आपको सबसे पहले थंबनेल दिखता है। जैसे ही आपने यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन किया, सबसे पहले आपको थंबनेल दिखेगा। थंबनेल अगर अच्छा रहा, सुपर रहा एकदम से, यानी कि अट्रैक्टिव HD एकदम से बढ़िया थंबनेल रहा, तो आपकी वीडियो को लोग ज़्यादा क्लिक करेंगे। थंबनेल पे ही CTR बढ़ता है। अगर आपको अपने वीडियो का CTR बढ़ाना है, अगर आपको अपने वीडियो को वायरल करना है, तो आपको सबसे पहले थंबनेल पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करनी होगी। दोस्तों अभी तक 90% ऐसे लोग हैं जो अपने वीडियो का थंबनेल पिक्सल लैब से बनाते हैं, इसमें आते हैं और अपने वीडियो का थंबनेल बना करके लगा देते हैं। लेकिन भाई आज का जो जमाना है वो काफी चेंज हो चुका है, और यहाँ पर नई नई चीजें आपको यहाँ पर ट्राई करते रहना चाहिए और अपने थंबनेल को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहिए। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। यहाँ पर देखिए पिक्सल लैब से तो बनाना ही है, लेकिन यहाँ पर आपको 4-5 और स्टेप में काम करना पड़ता है। इसके बाद आपका थंबनेल जो होता है वो काफी ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, अपने वीडियो के अपने थंबनेल के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए इस तरह से पिक सेलेक्ट करते हैं, और इसके बाद इस वाले रिमूवर से आते हैं और यहाँ पर इस तरह से अपने वीडियो के अपने थंबनेल के बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है और अच्छे तरीके से रिमूव नहीं होता। ये देखिए साइड साइड में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ये अच्छे तरीके से रिमूव नहीं होता और देखने में अच्छा नहीं लगता, एकदम से थंबनेल बेकार सा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, इतना जबरदस्त तरीके से बताने वाला हूँ कि कोई भी आपको उस तरह से नहीं बताया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही चीज बोलोगे, वाह राहुल भाई सर आपने कमाल कर दिया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल क्रोम पे आ जाना है। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है AI बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है? तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा और इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से आ जाएगा और पूछेगा कि चूज फोटो, यानी कि आप ऐसी फोटो अपलोड करो जो आपके बैकग्राउंड को हटाना है, आपके वीडियो के अपने थंबनेल के बैकग्राउंड को हटाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चूज फोटो क्लिक कर लीजिए, और इसके बाद आप एक ऐसी फोटो क्लिक कर लीजिए जो आपको अपने वीडियो के थंबनेल में लगाना है, यानी कि थंबनेल में आपको जो लगाना है जो फोटो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस वाले फोटो को यहाँ पर क्लिक किया है और इसके थंबनेल को, इसके बैकग्राउंड को अभी देखिए ये पूरे अच्छे तरीके से 1 मिनट के अंदर में रिमूव कर देगा। यहाँ पर देखिए वायर है, बहुत सारी चीजें हैं, बोर्ड है, तो ये 1 मिनट के कम टाइम में भी ये क्या है कि वीडियो का थंबनेल का बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव कर देता है। यहाँ पर देखिए बार बार वीडियो निकल रहा है, ठीक है? तो देखिए कितने अच्छे तरीके से एकदम से रिमूव कर दिया है और सब चीज अच्छे तरीके से है, क्वालिटी एकदम से घटती नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल से इस तरह से आपको अपने वीडियो इस थंबनेल को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? बार बार वीडियो निकलना है मुझसे, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको करना क्या है, सिंपल से अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं आपको माई फर्स्ट ब्लॉग थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो उसके लिए आपको ये वाला बैकग्राउंड आपको नहीं लेना है। आपको माई फर्स्ट ब्लॉग का थंबनेल का बैकग्राउंड कैसे बनाना है वो चीज यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो देखिए अब इसके बाद ये तो हो गया सिंपल सा थंबनेल वाला बनाने वाला नियम, ठीक है? जैसे टेक्निकल वाले बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ। लेकिन आपको माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल करना है तो उसके लिए आपको दूसरे तरीके से थंबनेल बनाना पड़ेगा। तो सिंपल से यहाँ पर आइए, एक आपको एप्लीकेशन मिलेगा, ये वाला डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, इमेज सर्च मैन, ठीक है? इसको आप ओपन कीजिए। अब ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ नेचर बैकग्राउंड HD। आप इस तरह से जब क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए बहुत सारे नेचर के फोटो आ जाएंगे, एकदम से बहुत ही गजब गजब का HD नेचर फोटो आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है, कोई भी अच्छा सा यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। ये देखिए इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सारी फोटो ऐसे आ गए जो एकदम से नेचर वाली फोटो है और HD फोटो है। और इसमें से आप कुछ कुछ फोटो यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड कर लीजिए, जो जो आपको अपना थंबनेल में बनाने के लिए अच्छा लगे। ये वाला देखिए ये अच्छा लग रहा है, जो भी चीजें आपको अच्छी लगी, जो फोटो आपको अच्छा लग रहा है उसको आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर लिया आपने, अब डाउनलोड करने के बाद में आपको सिंपल से क्या करना है, KineMaster ओपन करना है, ठीक है? KineMaster की ओपन करना है, वो चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। KineMaster ओपन करना है, अब KineMaster ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे आना है, और न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद आपको 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपने जो फोटो को डाउनलोड किया हुआ है उस फोटो को आपको यहाँ पर ले लेना है। अब मान लीजिए मैंने ये वाली फोटो मैंने यहाँ पर जो डाउनलोड की है उसको यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, या फिर दूसरी वाली फोटो को मैं ले लेता हूँ, मुझे जो चीजें अच्छी लग रही है, ये वाली फोटो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है? पानी भी है, हरियाली भी है, सारी चीजें अच्छी लग रही है। अब इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, इस पे सेलेक्ट कीजिए, एडजस्टमेंट वाले पे आइए, सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाइए,
ठीक है, वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाइए, अच्छा लगेगा। अब इसके बाद यहां पर आपको एक और काम करना है, यहां पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहां पर इफेक्ट पे आना है, और इफेक्ट पे आने के बाद यहां पर मोशन ब्लर वाला एक ऑप्शन मिलेगा, सॉरी बेसिक इफेक्ट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको ये वाला सेलेक्ट कर देना है। अब सेलेक्ट करने के बाद में आपको इस तरह से पूरे ऑप्शन को यहां पर ब्लर कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये पूरे तरीके से ब्लर हो गया है और आपका जो फोटो है काफी अच्छे तरीके से लग रहा है। अब इसके बाद यहां पर ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे, और कैप्चर एंड सेव पे आपको क्लिक कर देना है, यानी कि ये वाली फोटो जो है आपकी सेव हो चुकी है। अब इसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, फिर से यहां पर आना है और यहां पर इस तरह से ओपन करना है, पिक्सल लैब पे आना है। पिक्सल लैब पे आने के बाद आपको यहां पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, इसके बाद जो फोटो आपने बनाया हुआ है अभी इमेज को काइन मास्टर में, वो वाला यहां पर आपको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसको मैं यहां पर हटा दे रहा हूं क्योंकि ये मैं अपने थंबनेल को बनाना सिखा रहा था, लेकिन मैं आपको अभी माय फर्स्ट लुक थंबनेल बनाना यहां पर सिखाऊंगा। इस तरह से आपने कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी एक ऐसी फोटो को यहां पर लेना है जो आपको अपने ब्लॉग में सेट करना है, ठीक है, आपको अपने थंबनेल में सेट करना है। तो यहां पर प्लस वाले आइकन पे आइए, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी, यहां पर देखिए मैंने कई सारे ऐसे फोटो को यहां पर मैंने इरेज किया हुआ है। यहां पर देखिए मैंने सबसे पहले इरेजर पे आता हूं, इरेजर पे आने के बाद देखिए यहां पर मैंने बहुत ही, ये देखिए एक फोटो को मैंने यहां पर ले लिया, ये माई फर्स्ट ब्लॉग का थंबनेल यहां पर लग रहा है ऐसा, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने इस तरह से क्लिक कर दिया, और इसके बाद आपको अगर इसको एडजस्ट करना है तो आप यहां पर कर सकते हो, देखिए मैंने इस तरह से कर दिया, और इसके बाद यहां पर जहां आपको सूटेबल लगे वहां पर आप इसे फिट कर दीजिए। तो मुझे ये वाला फोटो यहां पर फिट करने का अच्छा लग रहा है, तो यहां पर मैंने इसे इस तरह से लगा दिया। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा ये अभी फोटो अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहां पर सिंपल से इस पे आइए, कलर इफेक्ट्स पे आइए, और यहां पर आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, इसको आप इस तरह से व्हाइट कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपल से क्या करना है, इसी वाले ऑप्शन पे आकर क्लिक करके शैडो वाले ऑप्शन पे आना है, और आपको इस तरह से कर देना है, और यहां पर आप येलो कर सकते हो या फिर व्हाइट कर सकते हो, व्हाइट कर दीजिए, देखिए कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब एकदम से नेचर के साथ पूरा मैच हो गया है। अब इसके बाद सिंपल से आपको काम क्या करना है कि आपको अपने बैकग्राउंड वाले लेयर पे आपको सेलेक्ट करना है, इसके बाद यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा इसको, और इसके बाद यहां पर आपको सेचुरेशन वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आप इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक। इसके बाद यहां पर आपको ह्यूज का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप यहां पर चेंज कर सकते हैं, देखिए कलर काफी अच्छा लग रहा है एकदम से, जो भी चीज आप यहां पर करना चाहते हो अच्छे तरीके से कर लीजिए, देखिए कितना अच्छे तरीके से थंबनेल यहां पर लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्रीन ही रहने दीजिए, इसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी यहां पर बढ़ा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप थंबनेल को बना रहे हो। इसके बाद इतना काम हो गया, अब यहां पर आपको लिखना है माई फर्स्ट ब्लॉग, ठीक है। यहां पर टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको लिखना है माई फर्स्ट ब्लॉग, तो यहां पर मैं लिख देता हूं माई फर्स्ट ब्लॉग, ब्लॉग को नीचे कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दीजिए। अब ओके करने के बाद देखिए अभी आपका जो थंबनेल है ये वाला वर्ड है ये अच्छे तरीके से नहीं है, तो ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक अलाइन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए, और यहां पर बीच वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे तो देखिए आपका जो थंबनेल है वो वर्ड है वो क्या है कि एकदम से बीच में आ गया, ठीक है, देखिए यहां पर। अब इसके बाद यहां पर आपको फिर क्या करना है, इसको साइज को थोड़ा सा बड़ा करना है, ये देखिए साइज को इस तरह से बड़ा करना है, और फिर इसके बाद यहां पर आपको इस तरह से आना है और फॉन्ट पे क्लिक करना है, ठीक। फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, जो भी आप फॉन्ट यहां पर सेलेक्ट करना चाहते हो, लेकिन मुझे ये वाला फॉन्ट इसमें ज्यादा अच्छा लगेगा, तो यहां पर मैंने माय फर्स्ट ब्लॉग ये वाला लिख दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा साइज में मैं यहां पर छोटा कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, साइज में छोटा कर दिया। अब इसके बाद यहां पर मैंने इसको यहां पर लगा दिया, अभी भी देखिए उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लगाने के बाद में यहां पर फिर मैं क्या करूंगा, इस पे आऊंगा, ए वाले पे ही सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर शैडो वाला एक ऑप्शन मिल रहा है, इसको मैं बस जस्ट इनेबल करके यहाँ पर नीचे वाले पे एक एम्बेडेड का ऑप्शन मिल रहा है, इसको मैं क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन मैं बढ़ा दूंगा, ब्लर रेडियस को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ये देखिए ब्लर रेडियस को मैंने बढ़ा दिया, अब इतना काम हो गया। इसके बाद यहाँ पर फिर स्ट्रोक पे आऊंगा, इसको भी मैं क्लिक करके यहाँ पर अगर आपको येलो लेना है या ब्लैक लेना है या फिर व्हाइट लेना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया, इतना काम हो गया। फिर यहाँ पर मैं आप एक और ऑप्शन मिलेगा कलर वाले पे, अब अगर आपको अपने माई फर्स्ट ब्लॉग को कलरफुल करना है तो आप यहां पर इसको सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद में जैसे मान लीजिए मैं माई फर्स्ट ब्लॉग को येलो में करना चाहता हूं, तो देखिए माई फर्स्ट ब्लॉग हो गया, और यहां पर मैं थोड़ा सा दिल लगा दे रहा हूं ताकि देखने में अच्छा लगे, ये देखिए। अब इसके बाद यहां पर आपको इन दोनों को इस तरह से लॉक कर देना है, लॉक करने के बाद में अभी ये सिर्फ 50% काम हुआ है, यह मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, ये सिर्फ 50% काम हुआ है, इतना सारा हो गया। इसके बाद फिर आपको करना क्या है, यहां पर आपको लिखना है, टेक्स्ट पे आना है, फिर इस तरह से लेना है और यहां पर लिखना है कोई, ये मैं आपको बता रहा हूं आपको अपना दिमाग लगाना है यहां पर क्या करना है, ठीक है, यहां पर लिख दीजिए कोई तो देख लो, कोई तो
देख लो इस तरह से करके यहां पर थोड़ा सा शेड वाला इस तरह से लगा देना, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसके बाद इसको इस तरह से बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा इसको यहां पर स्क्रॉल करके इसको बड़ा कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर यहां पर आपको वही काम करना है, फॉन्ट पे आना है। फॉन्ट पे आने के बाद में आपको कोई एक चूज कर लेना है जो थोड़ा सा ये मोटा हो जाए, वर्ड थोड़ा सा मोटा हो जाए। तो देखिए यहां पर इस तरह से कर लिया। इसके बाद में फिर आपको करना क्या है, इसको स्ट्रोक कर दीजिए, ब्लैक वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ब्लैक वाला सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा दीजिए, और इसके बाद यहां पर फिर से शैडो वाले पे आइए, ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहां पर इनेबल पे क्लिक कर दीजिए और इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा दीजिए, ठीक है। और इसके बाद यहां पर फिर से आइए कलर पे, कलर पे आने के बाद आप इसके ब्लू कर सकते हो, येलो कर सकते हो, या फिर आपको जो पसंद है वो आप यहां पर कर सकते हो। हाफ यहां पर ब्लू कर दीजिए। इसके बाद यहां पर आपको एक काम कीजिए, शैडो पे आइए, शैडो पे आने के बाद आप इसको व्हाइट कर दीजिए। तो देखिए एकदम से अलग अलग मैचिंग दिखने लग रहा है, कोई देखेगा तो बड़ा मजेदार अच्छा तरीके से लगेगा, ठीक है। इतना काम आपको हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सेव टू गैलरी पे कर देना है। इसके बाद इतना काम हो गया। अब यहां पर आपको एक और एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जो काफी मजेदार है। यहां पर एक रेमिनी करके एक एप्लीकेशन है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा। देख लीजिए यहां पर आपको फोन में दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद आप इसे ओपन कीजिए। यहां पर आपको अपने थंबनेल को एआई करना है, यानी कि इनहेंस करना है, एकदम से एचडी क्वालिटी वाली लगे, ठीक है, एकदम से क्लियर, एकदम मजेदार लगे। तो यहां पर देखिए इसमें आ गए हैं, और यहां पर मैंने जो थंबनेल बनाया था यहां पर आ गया है। अब ये पूछ रहा है इनहेंस, ये आपको फ्री में मिल जाएगा, यहां पर आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनहेंस पे क्लिक करने के बाद इस पे आप क्लिक कीजिए तो थोड़ा सा ऐड चलेगा, ठीक है। इस ऐड को आपको चलने देना है, थोड़ी देर में ये ऐड खत्म हो जाएगा, और इसके बाद में आपको सेकंड वाला स्टेप आपको मिल जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन। तो देखिए ये हो गया, यहां पर मैं इसको कट कर दे रहा हूं। अब ये देखिए यहां पर बिफोर लिखा है, यहां पर आफ्टर लिखा, ये देखिए ये बिफोर आफ्टर। अब ये देखिए यहीं पर आपको क्लियरिटी दिख जाएगी। इसको मैं इधर करता हूं तो देखिए कितना क्लियर हो गया, इसको मैं इधर करता हूं तो ये देखिए कितना क्लियर नहीं हुआ, यानी कि क्लियर नहीं लग रहा है। यहां पर देखिए ये बिफोर का दिखा रहा है और आफ्टर का देखा, ये देखिए एकदम फर्क साफ पता चल रहा है, कितना थंबनेल एचडी हो गया है, क्लैरिटी देखिए कितना गजब का हो गया। ये रहा बिफोर का, ये रहा आफ्टर का। तो इसके बाद आपको इस तरह से पूरा कर देना, और यहां पर देखिए पूरा आपका थंबनेल निखर कर बाहर आ गया भाई, बहुत जबरदस्त तरीके से लग रहा है। और इसके बाद यहां पर आपको क्या करना है, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके सेव कर देना है। अब सेव जैसे ही आप करोगे तो एक ऐड आपके सामने और इस तरह से चलेगा, इस ऐड को आपको चलने देना है, ठीक है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है पैड एप्लीकेशन है, और यहां पर अगर आपको ऐसे यूज करना है तो आपको यहां पर ऐड देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप ऐड देख लीजिए, ऐड जैसे ही खत्म हो जाएगा आपका यहां पर देखिए क्या लिखेगा, ये देखिए आपका हो गया, और आपका जो थंबनेल है वो पूरे तरीके से डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं, यहां पर देखिए डन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद यहां पर मैं गैलरी में आता हूं, गैलरी में आने के बाद यहां पर मैं लाइब्रेरी में आया, लाइब्रेरी में आने के बाद देखिए यहां पर एक थंबनेल है, इसको यहां पर मैंने बनाया था, इसकी क्लैरिटी को आप देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर मैंने इस थंबनेल को बनाया है, इसकी क्लैरिटी को आप देख लीजिए कितना ज्यादा शानदार लग रहा है, कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है। तो इस तरह से आप थंबनेल बनाइए, जैसा मैंने आपसे बताया, देखिए थंबनेल कितना ज्यादा शानदार लगेगा, मजेदार लगेगा, और लोग देख करके आपकी वीडियो पर टूट पड़ेंगे भाई ऐसे थंबनेल को देख करके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर आप भर भर के करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।